हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो बाय गेमिंग प्रोफेसर शौमिक। सो आज का वीडियो एक खास टॉपिक के ऊपर है जिसको लेके हमेशा ही एक इंटरेस्ट बना हुआ रहता है। यूजुअली इंडियंस के दो चीजों के लिए कान खड़े हो जाते हैं, वो है एक है फ्री 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 सुनने के बाद और दूसरा है सेल 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 सुनने के बाद। तो ये दूसरा टाइप वाला वीडियो है जहाँ पे हम सेल पे आए हुए गेम्स के बारे में बात करते हैं। यूजुअली तो सेल किसी भी चीज़ों का लोगों को पसंद ही होता है रिगार्डलेस ऑफ एनी एज ग्रुप, बट यहाँ पे हम गेमर्स के तरफ पे जाएंगे कि गेमर्स को क्या सेल में ऐसे गेम्स मिल रहे हैं जिनको अभी तुरंत ले लेना चाहिए। हार्डली कुछ ही दिन बाकी हैं ये स्टीम सेल के, इवन तो हमारे यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है, रेनी सीजन बोल सकते हैं, बट सिंस वहाँ पे उनका सेल चल रहा है समर का तो चलने दो, हमें हमारे पैसे बचाने हैं, वो हमारा काम हो जाएगा उसमें। तो हम ये स्टीम सेल के गेम्स के बारे में बात करेंगे जिसको लेना डेफिनेटली जरूरी होगा अगर आप ये सेल का फायदा उठाना चाहते हैं। तो अगर हम बात करें 100 रुपीज या उससे नीचे वाले गेम्स की, तो एक गेम में जो सजेस्ट करना चाहूंगा वो है जस्ट कॉज 3। जस्ट कॉज 3 जस्ट 59 रुपीज में अवेलेबल है और मैंने ऑलरेडी बाय किया है, तो इसको मैं लाइव स्ट्रीम पे टेस्ट भी करूंगा, खेलूंगा भी एंड होपफुली बहुत मजा आएगा। ट्रेलर्स आप खुद ही देख सकते हैं। अगर आपको इससे पहले का कोई गेम खेलना है जस्ट कॉज सीरीज का, आप जस्ट कॉज 2 भी कर सकते हैं। जस्ट कॉज 2 भी अंडर 100 ही मिल जाएगा आपको 99 रुपीज में, इसके भी रिव्यूज अच्छे ही हैं। तो ये दोनों जस्ट कॉज सीरीज के गेम्स आप ट्राई कर सकते हो बिलो 100 रुपीज। अगर हम दूसरे गेम की बात करें तो आपने सेनुआ सागा हेलब्लेड 2 के बारे में बहुत सुना होगा, बट उसका जो प्रीक्वल है जिसने ये हेलब्लेड सीरीज की शुरुआत रखी है वो है हेलब्लेड सेनुआ सैक्रिफाइस। तो ये भी अंडर 100 आपको मिल जाएगा, ये मास्टरपीस ऑफ अ गेम है, 72 रुपीज में अवेलेबल है एंड ये बिसाइड्स द स्टीम सेल भी आती रहती है, बट अगर आप इसी सेल में लेना चाहते हो तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो क्योंकि ये इसका यूजुअली लोएस्ट प्राइस होता है एंड बहुत ही बढ़िया गेम है, बहुत ही सुंदर गेम है। डेफिनेटली ट्राई इट वंस, बहुत मजा आएगा। आपको रीप्ले भी करना है आप रीप्ले भी कर सकते हो और इन डेप्थ में भी खेलना है तो थोड़ा बहुत आप खेल सकते हो। अदरवाइज इसके ग्राफिक्स भी सुंदर है, ऑडियो डिजाइन तो बहुत ही बढ़िया है, गेम प्ले भी काफी आपको इनोवेटिव लगेगा कुछ कुछ जगहों पे। डेफिनेटली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। नेक्स्ट गेम जो मैं रिकमेंड करूंगा वो है सेलेस्ट। अवेलेबल है सिर्फ 88 रुपीज के लिए एंड ये एक 2D प्लेटफॉर्मर गेम है जो कि चैलेंजिंग भी है, बट इसके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, इसकी स्टोरी को भी बहुत तारीफ की है लोगों ने, ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव रिव्यूज यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। तो इसके लिए डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, ये जस्ट 88 रुपीज में अवेलेबल है, सो ट्राई इट आउट। नेक्स्ट गेम जो आपको मैं सजेस्ट करूंगा वो एक बंडल है जो कंसिस्ट करता है पोर्टल एंड पोर्टल 2 का। इंडिविजुअली भी आप खरीद सकते हो, इंडिविजुअली इसका प्राइस 48 रुपीज का पड़ता है, पोर्टल का 48 एंड पोर्टल 2 का 48। अगर आप बंडल में खरीदते हो तो आपको 72 रुपीज का पड़ेगा एंड इट इज डेफिनेटली वर्थ इट। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये दोनों गेम्स बंडल में है अवेलेबल, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता, बट सर्च बार में अगर आप देखोगे तो सर्च बार में आप देख सकते हो 72 रुपीज के दोनों गेम्स अवेलेबल। रिव्यूज तो आपको एक बार जस्ट दिखा देता हूँ, ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव, बहुत ही बढ़िया रिव्यूज है। पर्सनली मैंने भी खेला है इन दोनों गेम्स को इनफैक्ट, एंड दोनों ही बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट अगर आप पोर्टल 2 के तरफ जाओगे तो वहां पे आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी भी मिल जाएगी जो कि थोड़ी ट्रेजिक भी है बट फनी भी है, तो डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई आई वुड से। अगला गेम फिर से बंडल आ गया और इस बार है लेफ्ट 4 डेड एंड लेफ्ट 4 डेड 2। ये भी मैंने गेम्स लिए हुए हैं ऑलरेडी एंड इनफैक्ट मैं अभी करेंटली लेफ्ट 4 डेड खेल रहा हूँ ऑन स्ट्रीम, तो आपको अगर चेकआउट करना है तो चेकआउट कर सकते हो। दोनों गेम्स काफी फन है, मैंने बहुत पहले खेला हुआ था एंड फिर से मेरे को खेलने की इच्छा हुई इसलिए मैंने इन दोनों गेम्स को बाय किया। सेम कॉन्सेप्ट एज पोर्टल का बंडल, लेफ्ट 4 डेड 48 रुपीज का अवेलेबल है, उसका सीक्वल भी 48 रुपीज का अवेलेबल है। बंडल में बाय करने जाएंगे तो आपको 72 रुपीज का मिलेगा। एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि बंडल 72 रुपीज का अवेलेबल है, सो डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई और ये दोस्तों के साथ खेलना ज्यादा मजा आपको, बहुत फन गेम है। अगला गेम जो 100 रुपीज के अंदर मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो है यूरो ट्रक सिमुलेटर 2 जो कि फिलहाल मिल रहा है 92 रुपीज में एंड इसी के साथ साथ आपको मिलेगा अमेरिकन ट्रक सिमुलेटर 2 भी, वो भी 92 रुपीज में मिलेगा। तो ये उन बंदों के लिए है जो सपना देखते थे कि काश हम ट्रक चला सके इन अमेरिका और यूरोप की वादियों में, तो यहाँ
वहाँ पे आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे अमेरिकन ट्रक सिमुलेटर हो गया, यहाँ पे DLCs के लिए आपको अलग से प्राइसेस देने पड़ेंगे एंड 595 तक जा सकता है DLC का प्राइस। सिमिलरली अगर हम यूरो ट्रक सिमुलेटर देखेंगे तो वहाँ पे भी DLCs के प्राइसेस काफी ज्यादा है। तो अगर आप सिर्फ बेस गेम से खुश रहेंगे देन डेफिनेटली ये बहुत अच्छा डील है। अदरवाइज आपको अगर और भी एक्सपेंशन खेलने हैं, और भी ज्यादा मैप्स खेलने हैं, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे डिपेंडिंग ऑन कौन सा मैप आप लेना चाहते हो। अगर बात करें नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ गेम्स की, तो हम बात करेंगे 100 से 250 के रेंज के गेम्स के अंदर। तो जैसे कि बॉर्डरलैंड्स 2 है, बॉर्डरलैंड्स 2 अवेलेबल है। तो ये जो गेम है आपने बहुत सुना होगा, इसका एक मूवी भी आने वाला है एंड लाइव एक्शन अडेप्टेशन होगा वो। एंड अगर आपको ये गेम एक्सप्लोर करना है कि बियॉन्ड द बेस गेम आप जाना चाहते हो, तो नीचे 399 में आपको मिल जाएगा। इसमें DLCs एंड कुछ स्किन्स और वो सब आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज बेस गेम 150 रुपीस आप ट्राई कर सकते हो। इसके रेटिंग्स भी बहुत अच्छे हैं, ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव रेटिंग्स मिले हुए हैं। तो डेफिनेटली एक बिलवर्ड फ्रेंचाइज रही है एंड उसको लाइव एक्शन में भी आप जल्दी देखने वाले हो। नेक्स्ट होगा और एक बंडल, जो कि होगा बैटमैन गेम्स का बंडल। बैटमैन ट्रायलॉजी के गेम्स बहुत ज्यादा पसंद करते हैं लोग, इंक्लूडिंग myself। अगर आप देख सकते हो मेरे पास ऑलरेडी तीनों गेम्स अवेलेबल हैं एंड ये बंडल इज अवेलेबल जस्ट फॉर 202 रुपीज। तो डेफिनेटली एक ट्राई बनता है, इसको आप खेलना, आपको तीनों गेम्स बहुत पसंद आएंगे। बट इसके साथ साथ मैं और एक बोनस गेम जो मैं बताना चाहता हूँ, जो कि काफी नेग्लेक्टेड है, वो है बैटमैन आर्कम ओरिजिंस। बैटमैन आर्कम ओरिजिंस करेंटली 113 रुपए में अवेलेबल है और ये गेम डेफिनेटली वर्थ इट है। काफी जनों ने बहुत उसको बैश किया है, काफी इसके बारे में भला बुरा बोला है कि ये उतनी अच्छी नहीं है। बट मैंने पर्सनली जब इसको खेला मुझे बहुत पसंद आया। यस, एट टाइम्स थोड़ा इधर उधर लग सकता है, इट इज नॉट एग्जैक्टली द सेम एज द बैटमैन ट्रायलॉजी, थोड़ी सी फील अलग हो सकती है। बट अदरवाइज आप देखोगे तो रिव्यूज इसके भी खराब नहीं है, 92-89% के आसपास इसके भी रिव्यूज हैं एंड इट कंसिस्ट द बेस्ट बॉस फाइट्स इन ऑल ऑफ द बैटमैन सीरीज। बैटमैन गेम्स में जितने भी बॉस फाइट्स हैं, बैटमैन आर्कम ओरिजिंस को टॉप नहीं कर पाएंगे, ये डेफिनेटली मैं गारंटी दे सकता हूँ, बाकी आपकी मर्जी। अगला गेम जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है क्वांटम ब्रेक। क्वांटम ब्रेक के बनाने वाले स्टूडियोज का नाम है रेमेडी एंटरटेनमेंट, जिन्होंने मैक्स पेन, कंट्रोल, एलन वेक फ्रेंचाइज जैसे गेम्स बनाए हुए हैं। और ये गेम में आपको देखने को मिलेगा लाइव एक्शन एज वेल एज गेम प्ले, दोनों का एक मिक्सचर बनाया हुआ है। नॉट द बेस्ट मिक्सचर बट इट इज डेफिनेटली यूनिक, एक एक्सपीरियंस तो इसका बनता है। और इसका प्राइस है 212 रुपीज एंड इसके रेटिंग्स भी काफी हद तक पॉजिटिव ही है, तो डेफिनेटली एक ट्राई तो बनता है। नेक्स्ट गेम जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है स्लीपिंग डॉग्स। स्लीपिंग डॉग्स सब लोग समझते हैं कि एक GTA क्लोन है, GTA जैसा ही उन्होंने बना दिया, बस एक एशियन कास्ट दे दिया, बस हो गया। बट इट इज नॉट लाइक दैट, ये काफी अलग है GTA से कुछ कुछ मामलों में एंड एक छोटा सा उन्होंने ओपन वर्ल्ड बनाया है, बहुत ज्यादा मैसिव नहीं है। इसके लिए उसके अंदर जो हसल बसल चलता है, जो लोग घूमते रहते हैं, जो रिएक्शंस देते हैं, काफी लाइवली लगता है, काफी रियलिस्टिक लगता है एंड बहुत फन सा गेम है, बहुत ओवर द टॉप जाता है, तो बहुत मजा आता है खेलने के लिए। मैंने रिसेंटली इसको लाइव स्ट्रीम पे भी खेला था, बहुत फन है, आप खुद ही रिव्यूज देख सकते हैं। रिसेंट रिव्यूज तो ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव है, ओवरऑल भी वेरी पॉजिटिव रिव्यूज है एंड ये मात्र आपको 109 रुपीज में मिल जाएगा, तो डेफिनेटली ग्रैब दिस गेम। अगला गेम जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो है विचर 3। ये एक ऐसा गेम है जो कि आप कोई भी YT के सेल वाले वीडियो उठा के देख लो, आपको ये गेम कोई ना कोई सजेस्ट करता हुआ मिल ही जाएगा एंड ये गेम है भी बढ़िया, तो डेफिनेटली ये सजेस्ट करना बनता है। बट इसके साथ साथ मैं आपको विचर 2 भी सजेस्ट करूंगा। विचर 2 भी बहुत ही बढ़िया गेम है एंड 4 साल पहले आई थी विचर 3 के। थोड़ा सा ग्राफिक्स के मामले में विचर 3 तो अभी काफी बढ़िया है, विचर 3 तो थोड़ा सा ग्राफिक्स के मामले में आपको तकलीफ हो सकती है, अदरवाइज गेम प्ले भी अच्छा ही है, खराब नहीं है। मैंने खुद ने खेला है 40 घंटों के ऊपर। और विचर की सबसे खास बात होती है विचर सीरीज की स्टोरी। इनफैक्ट मैंने खुद ने विचर 1 भी खेला है, मैं
सजेस्ट नहीं करूंगा, बट अगर विचर 1 का आप ग्राफिक्स एंड थोड़ा सा जो गेम प्ले स्टाइल आप एडजस्ट कर लेते हो, उसकी स्टोरी इज टॉप नॉच। बहुत ही बढ़िया स्टोरी है विचर सीरीज की। इनफैक्ट मैंने अभी तक विचर 3 ज्यादा खेल नहीं पाया हूँ कंपैरेटिवली, तो विचर 3 मेरा खेलना बाकी है, जस्ट 3 घंटे के आसपास ही खेल चुका हूँ, बट अदरवाइज अ वेरी गुड सीरीज। तारीफ के चक्कर में मैं भूल ही गया था कि विचर 3 का प्राइस है अराउंड 169 एंड विचर 2 का प्राइस है 149। वैसे विचर ट्रायलॉजी की बंडल भी आप ले सकते हो, तो वो अराउंड आई थिंक 353 पड़ेगा। मुझे लगता है वो ज्यादा सस्ता पड़ेगा अगर आप तीनों गेम्स को ओन करना चाहते हो। अगला गेम जो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा वो है स्नाइपर एलीट 4। स्नाइपर एलीट सीरीज की क्लिप्स तो आपने देखी होगी जहां पे बहुत दूर से एक स्नाइपर शॉट आता है और हड्डियों को क्रैक करते हुए जाता है, बॉडी पार्ट्स ऑर्गन्स को डैमेज करते हुए जाता है। तो अगर आपको ये सीरीज में एंट्री मारनी है तो ये बहुत अच्छा एक एंट्री पॉइंट है स्नाइपर एलीट 4, और आप खेल के देख सकते हो कि आपको नेक्स्ट एंट्री इन द सीरीज स्नाइपर एलीट 5 खेलनी है कि नहीं। करंटली स्नाइपर एलीट 4 का प्राइस है 117 रुपीज। इसका आप डीलक्स एडिशन बाय करेंगे तो 173 रुपीज में मिल जाएगा, तो डेफिनेटली वर्थ अ ट्राई है। द नेक्स्ट गेम इज स्टार वॉर्स जेडाई फॉलन ऑर्डर। तो ये एक ऐसा गेम है जो कि स्टार वॉर्स यूनिवर्स में बेस करके बनाया हुआ है। बहुत बढ़िया स्टोरी है, बहुत बढ़िया गेम प्ले है, बहुत फन है, एंड स्टार वॉर्स के जो फैंस है उनको तो बहुत ज्यादा पसंद आएगा। इसके रिव्यूज भी बहुत पॉजिटिव है। मेरे लाइब्रेरी में नहीं है स्टीम में क्योंकि मैंने बाय किया था एपिक गेम स्टोर से। करंटली इसका प्राइस चल रहा है 219 रुपीज, जो कि डेफिनेटली वर्थ इट है। अगर आप डीलक्स एडिशन लोगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्रीज बिहाइंड द सीन्स और एक डिजिटल कॉमिक बुक टाइप का आर्ट बुक टाइप का आपको मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट आर्ट और वो सब आप उसमें देख सकते हो। एंड बहुत बढ़िया गेम है। एक ही डिस्क्लेमर इसमें दूंगा कि ये एक्सबॉक्स गेम पास पर भी अवेलेबल है। अगली कैटेगरी की बात करें तो हम बात करेंगे 250 से 500 के बीच के प्राइसेस ऑफ गेम्स की। यहाँ पे शुरू करते हैं हम डाइंग लाइट के साथ। डाइंग लाइट मेरा एक बहुत पसंदीदा गेम है। करेंटली ये 269 में अवेलेबल है, बट मैं सजेस्ट करूंगा आप 299 दे के इसका डेफिनेटिव एडिशन बाय करें, बिकॉज इसमें डीएलसीज तो वैसे ऊपर वाले में भी इंक्लूडेड है, बट इसमें बहुत सारे आपको गन्स एंड कुछ ड्रेसेस वगैरह मिल जाएंगे जिसको आप ट्राई कर सकते हो, एंड बहुत फन हो जाता है ये गेम खेलने के लिए। एंड बहुत ही बढ़िया गेम है। मैंने अराउंड 126 आवर्स दिए हैं इस गेम को, सो गिव इट अ ट्राई एंड यू कैन चेक 95% पॉजिटिव रिव्यूज भी। अगला गेम जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है फोर्जा होराइजन 4। फोर्जा होराइजन 4 बहुत ही जल्द डीलिस्ट हो जाएगा, ये साल के 15th ऑफ दिसंबर में डीलिस्ट होने वाला है, नॉट ओनली फ्रॉम स्टीम बट ऑल्सो फ्रॉम एक्सबॉक्स गेम पास। इसमें आपके पास 3 वर्जन है, स्टैंडर्ड एडिशन, डीलक्स एडिशन, अल्टीमेट एडिशन। मैं सजेस्ट करूंगा आप अल्टीमेट एडिशन वाला बाय करें, बिकॉज अगर आपको बेस गेम पसंद है और भी डीएलसीज आपको चाहिए होंगे तो आपको मिलेंगे नहीं अगर आप 15 दिसंबर के बाद खेलोगे इसको, तो उसके पहले ही आप इसको बाय कर सकते हैं। एंड ये एक बार आपके लाइब्रेरी में रहेगा तो डीलिस्ट होने के बाद भी आप इसको खेल सकते हो, इसके मल्टीप्लेयर कंपोनेंट्स भी शायद आप इसमें खेल सकते हो। अगला गेम है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 4 द कंप्लीट एडिशन। ये गेम में आपको बेस गेम के साथ साथ 2 DLCs भी मिलेंगे और ये गेम अवेलेबल है जस्ट 299 रुपीज के लिए। बहुत ही बढ़िया गेम है, DLCs भी बहुत इनोवेटिव है, बहुत फन है, सो डेफिनेटली गिव दिस गेम अ ट्राई। अगला गेम है मास इफेक्ट लेजेंडरी एडिशन। मास इफेक्ट लेजेंडरी एडिशन में 3 गेम्स है जो कि सब मिला के एक लेजेंडरी एडिशन बना है और ये अवेलेबल है जस्ट 299 रुपीज में। बहुत तारीफें इसकी सुनी थी, मैंने अभी तक खेली नहीं है बट ये मेरे लाइब्रेरी में एडेड है, तो इसको डेफिनेटली मैं खेलने वाला हूँ एंड एक्सप्लोर करने वाला हूँ। बट मैंने काफी सालों से इस गेम की तारीफ सुनी है, रिव्यूज भी काफी अच्छे हैं, अराउंड 91% ऑल रिव्यूज एंड 82% रीसेंट रिव्यूज। थोड़ा सा पुराना हो सकता है कुछ कुछ मामलों में, बट अदरवाइज ये गेम बहुत बढ़िया लग रही है। अगर आपको फार्मिंग सिम्युलेटर टाइप के गेम्स पसंद है और जो कि पिक्सेलेटेड भी हो, देन ये आपके लिए एकदम परफेक्ट गेम है। इस गेम का नाम है स्टारड्यू वैली एंड ये गेम अवेलेबल है जस्ट 287 रुपीज में। एंड आप देख सकते हो कि इसके रिव्यूज भी बहुत अच्छे हैं, ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव। सो डेफिनेटली गिव दिस गेम अ ट्राई एंड हैव अ ग्रेट टाइम। अगला गेम फिर से एक बंडल आ जाता है जो कि है मिडल अर्थ द शैडो बंडल, जो कि अवेलेबल है 379 में। इसमें क्या क्या मिलेंगे? इसमें मिलेगा हमें मिडल अर्थ शैडो ऑफ वॉर, उसका एक एक्सपेंशन पास, देन मिडल अर्थ शैडो ऑफ मॉर्डर एंड उसका गेम ऑफ द ईयर एडिशन अपग्रेड। सो डेफिनेटली वर्थ इट लगने वाला है। मैंने भी इस सेल में खरीदा है एंड मैं भी बहुत जल्द इस गेम को ट्राई करने वाला हूँ। कुछ गेम्स ऐसे हैं जो कि
बियॉन्ड 500 है, बट फिर भी मैं इन गेम्स को सजेस्ट करना चाहूंगा। पहला गेम है डेज गॉन, जो कि 824 रुपीज में अवेलेबल है। बहुत ही बढ़िया गेम है। अपनी बाइक लेके ओपन वर्ल्ड में जाना है, बाइक को अपग्रेड करना है एंड ज़ॉम्बी से लड़ना है, और वो भी बहुत फन हो जाता है। स्टोरी काफी लंबी सी है, तो बहुत आराम से आप खेल के इसको एंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट गेम है होराइजन जीरो डॉन कंप्लीट एडिशन, तो यहाँ पे आपका एक डीएलसी भी इसके साथ इंक्लूडेड रहेगा। ये भी सेम ही प्राइस 824 रुपीज का है। अच्छा खासा गेम प्ले आपको मिल जाएगा इसमें, आराम से आप इसको खेल सकते हो। बहुत बढ़िया स्टोरी है, बहुत मजा आएगा आपको खेलने में। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं GTA 5 एपिक गेम स्टोर में एक बार फ्री मिला था, बट इसके बाद से फ्री मिलना तो काफी दूर की बात होने वाली है। ये अभी फिलहाल अवेलेबल है एट 952। आई थिंक ये प्राइस जस्टिफाइड है, बिकॉज जिस लेवल का गेम प्ले वो लोग देते हैं ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 में, उस हिसाब से आपका पैसा वसूल हो जाएगा। एंड लास्ट गेम जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, दैट इज रेड डेड रिडेम्पशन 2। सेम रॉकस्टार गेम्स का ही स्टूडियो का गेम है, एंड क्या ही गेम बनाया है आरडीआर वालों ने। बहुत ही सुंदर गेम है, बहुत ही बढ़िया गेम है। इट इज अवेलेबल एट 1055। ये तो एक्चुअली फुल प्राइस पे भी मैं इसको रेकमेंड करूंगा। अगर 3200 का भी आता है तो भी मैं इसको रेकमेंड करूंगा, अदरवाइज अभी तो डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसको जल्दी से जल्दी आप ग्रैब करो इस गेम को एंड खेलना शुरू करो। आराम से 100-150 घंटे तो ऐसे ही निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। फाइनली एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैंने ज्यादा बड़े बड़े गेम्स आपको सजेस्ट नहीं किए हैं। ये इसलिए नहीं किए हैं बिकॉज एपिक गेम स्टोर जब विंटर पे अपने सेल देता है, अपना डिस्काउंट देता है, वो बहुत ह्यूज डिस्काउंट्स होते हैं। जैसे कि गॉड ऑफ वॉर, अनचार्टेड 4, ये गेम्स मैंने बाय किए हैं जस्ट अबव 2000 रुपीज। तो ये गेम्स अगर मैं नॉर्मली अभी के सेल में बाय करूं तो मुझे 3000 प्लस देना पड़ सकता है। तो आप अगर वेट कर सकते हैं विंटर का, और उसके पहले ऑटम सेल भी आ जाएगा, तो ऑटम सेल भी आप देख सकते हो कि उसमें फर्दर प्राइसेस गिरते हैं। तो अगर बड़े गेम्स आपको खेलने हैं, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एपिक गेम स्टोर का डिस्काउंट के लिए वेट करें और उसमें और भी ज्यादा पैसे बचाएं, जो पैसे आप ऑलरेडी यहां पे प्राइसेस आपको देख रहे हैं इसके ऊपर भी। ऐसा तो बिल्कुल हो नहीं सकता कि मैं बहुत सारे गेम्स ना भूला होऊंगा ये पर्टिकुलर लिस्ट में। जितना हो सके मैंने ट्राई किया, बट अगर आपको लगता है कि मैंने गेम्स मिस किए हैं तो डेफिनेटली राइट डाउन इन द कमेंट्स कि कौन से ऐसे गेम्स हैं जो मैंने मिस कर दिए हैं और वो इस लिस्ट में होने चाहिए थे। अदरवाइज आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करते जाएं, बताते जाएं, ताकि और भी अगर ऐसे टाइप के वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो मैं इसको और भी अपलोड करने की कोशिश करते जाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू, बाय बाय।